तो हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल मंडी यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे आप सभी लोग, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आपका डिवाइस मैजिक्स मॉडल जहाँ फ्लैश करते हो तो उसके बाद अगर रिस्टार्ट करते हो फ़ोन को तो क्या होता है कि कुछ डिवाइस होते हैं जो कि भाई बूटलूप में अटक जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है भाई, ये वीडियो TWRP के साथ नहीं होने वाली, क्योंकि काफ़ी सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं भाई वो बोल रहे थे कि भाई हमें वो मेथड बताओ जो हमारे डिवाइस की TWRP हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो लोग कैसे मॉडल को रिमूव कर सकते हैं अगर उनका डिवाइस जो है बूटलूप में अटक जाता है। तो भाई आज की जो वीडियो उन्हीं बंदों के लिए है, तो भाई सिंपल सी बात है, तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई भी स्टेप मिस वगैरह करोगे तो ठीक है ना, फिर से वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो होगा नहीं। तो थोड़ा सा ये सारे जितने स्टेप है भाई आपको मैनुअली करने पड़ते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कमांड्स लाइन के थ्रू होते हैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना विदाउट स्किप। तो चलो भाई वीडियो कर लेते हैं शुरू, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है जो भी है आपके पास, तो आपको क्या करना है उसके अंदर आपको कोई भी ब्राउज़र जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आप यूज़ करते हो सर्च वगैरह करने के लिए, तो आपको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर मैं मोबाइल के ऊपर ही बता रहा हूँ, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आप मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जा सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है ADB, ठीक है। ADB लिखेंगे, उसके साथ लिख देना है आपको प्लेटफॉर्म टूल्स, ठीक है। ये लिख के आप टूल भी लिख सकते हैं और सर्च कर देना है। ऐसे जैसे सर्च करोगे तो भाई यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे लिंक मिल जाता है एक्स्ट्रा डेवलपर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मिल जाता है वो भी आपको यही टाइटल के ऊपर ही दिख रहा होगा। तो चलो भाई इसको ओपन कर लेते हैं पहले। तो भाई यहाँ पे ये जो टूल है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये डाउनलोड कर लेना भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका विंडो है तो विंडो को कर लेना, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडो कर लेना, अगर आपका मैक एड्रेस का है ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप मैक वाला कर लेना। तो जो लोग बंदे जो भी लिनक्स वगैरह चलाते हैं, काले लिनक्स, उबंटू वगैरह, तो वो यहाँ से लिनक्स वाला भी कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो अगर भाई आप लोगों के पास PC या लैपटॉप नहीं है तो उसका मेथड भी मैं बताऊँगा, ठीक है ना, वीडियो के बाद, जे वाले मतलब जे वाले स्टेप्स के बाद, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या करना है, उनको ये डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ से बैक आ जाता है, ठीक है ना। जैसे बैग आ जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो आगे के जो स्टेप है आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो मैंने लिए हुए हैं भाई उसके थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई जिनके डिवाइस के जहाँ जिन लोगों के पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, ठीक है, लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, तो वो कैसे इसको जो कि कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अभी यहाँ पर मैं जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ उनको, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है किसी और डिवाइस के ऊपर, ठीक है ना। वो डिवाइस रूट है या नहीं है इसका कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, वो नॉन रूटेड के अंदर भी काम करता है, ठीक है ना। पर जो कमांड लाइन्स होती है भाई सेम रहेंगी, जो कंप्यूटर के अंदर आएंगी कमांड्स वही कमांड उसके अंदर भी काम करेंगी, ठीक है। तो जो कमांड है वो मैं सिर्फ यहाँ पे PC वाली दिखाऊंगा, ठीक है। वही कमांड आप सेम टू सेम फॉलो करनी होती है भाई, अगर आप चाहे वो ऐप के थ्रू कर रहे हो या फिर आप PC लैपटॉप वगैरह के साथ कर रहे हो, ठीक है, कमांड्स लाइन सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो प्ले स्टोर के अंदर जाना है, तो यहाँ पे क्या आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बग जिगर, ठीक है। जहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन है आपको ये डाउनलोड कर लेना है भाई, यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो ये इसका इंटरफेस है, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है उन बंदों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड कर लेना है। तो चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो चलो भाई इसको जो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैसे इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होता है तो आगे के स्टेप आपको दिखाता हूँ क्या क्या फॉलो करने होते हैं। तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाता है, तो भाई यहाँ पे इसका जो डाउनलोडिंग है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपके पास एक OTG केबल होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आप दूसरे डिवाइस को इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई भी आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे नहीं तो, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आपको उस फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है भाई, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम जो रिमूव करेंगे। तो जो आपका जो दूसरा फ़ोन होता है जो कि बूटलूप में अटका हुआ है, उससे पहले सबसे भाई आपको जो मेन चीज़ है मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू क्या करना होता है आपको, सिंपल यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर ऐड वगैरह आती है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो बना हुआ है भाई यहाँ पे, ठीक है, फ्लैश जैसा इसके ऊपर आ जाना होता है, ठीक है। जैसे आपका पहले आपको ADB से कनेक्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आपका फ़ोन पहले से बूट लोडर मोड में है तो यहाँ से बूट लोडर मोड भी ऑन होता है, ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे अभी ओपन नहीं होगा,
ठीक है, जैसे आपका कनेक्ट होगा तो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि भाई आपका डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना, पहले से। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो का ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो भाई इसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको कौन से स्टेप जो फ़ोन के ऊपर सेटिंग में फॉलो करने पड़ते हैं, जे बी वाला भी करना पड़ता है। अगर आप जे ऐप के साथ यूज़ कर रहे हो तो भी आपको वो चीज़ें अनेबल करनी पड़ेगी पहले डिवाइस के ऊपर, तभी काम आएगा। अगर आप पीसी लैपटॉप से रिमूव कर रहे हो तो उसके लिए भाई आपको पहले वो चीज़ अनेबल्स करनी पड़ेगी, तभी उसके ऊपर भी काम में आएगा। तो चलो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो पहले आपको अनेबल करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले चलना होगा आपको भाई आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर, ठीक है ना। सेटिंग में तो भाई जैसे आप अपनी अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डेवलपर का जो ऑप्शन होता है वो अनेबल कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है, तो चलो मैं दोबारा से सेटिंग को ऑन करूँगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाती है मेरे को डेवलपर ऑप्शन की, तो इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर मेरे फ़ोन का जो बूट लोडर है पहले से अनलॉक है। तो अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो भाई सीधी सी बात आपका बूट लोडर अनलॉक ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे आए ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है यूएसबी डिबगिंग की, ठीक है, इसको अनेबल कर देना। जैसे इसको अनेबल करोगे तो उसके बाद ही आपको पीसी से या अपने मोबाइल से वो दूसरे वाले से जिसके अंदर हमने बग जिगर ऐप डाउनलोड किया है उससे कनेक्ट करना है। जैसे उससे कनेक्ट करोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, तो ऐसा पॉपअप जैसे आपके सामने आता है तो आपको अलॉक कर देना होता है। यहाँ पे ओके की ऑप्शन आती है जहाँ अलॉक ही आती है, तो आपको ओके कर देना होता है अगर आप बग जिगर से कर रहे हो या फिर एडीबी वाला जो पीसी वाला है वहाँ से कर रहे हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा पीसी के ऊपर जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने टूल डाउनलोड किया था एडीबी का पीसी या लैपटॉप के लिए, तो उसको ओपन कर लेना है। जैसे उसको ओपन करोगे वहाँ पर आपको एडीबी की फाइल मिलती है भाई, उसको ओपन कर लेना होता है। तो जैसे उसको ओपन करते हो उसके बाद कुछ ऐसा कमांड का आपको जो है टर्मिनल शो होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या कमांड टाइप करनी होती है वो हम मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे आपका, तो उससे पहले क्या करना है आपको अपना जो डिवाइस है यानी कि आपका जो फ़ोन है वो डाटा केबल से पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है सिंपल एडीबी डिवाइस, एडीबी डिवाइस लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर ऐसा शो हो जाएगा कि भाई आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर आपके टर्मिनल एडीबी से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम दूसरी कमांड देंगे जहाँ पे एडीबी रिबूट बूट लोडर, ठीक है, जहाँ फिर फास्ट बूट भी आप लिख सकते हैं, एडीबी रिबूट फास्ट बूट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं ये जैसे कमांड लिखी हुई है, ठीक है ना। जैसे ये कमांड लिख के एंटर करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड के अंदर ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा डिवाइस है यानी कि उसका फास्ट बूट कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके लिए टाइप करेंगे फास्ट बूट डिवाइस और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा जो दिखा देगा भाई आपका जो फास्ट बूट लोडर है यानी कि फास्ट बूट मोड है वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर टर्मिनल के साथ एडीबी के साथ। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, तो जो लास्ट कमांड आपको क्या टाइप करनी है कि आप जो मैजिक्स का मॉडल है वो रिमूव कर सकें, तो वो सेल कमांड होती है। तो भाई वो सेल में जाके फ़ोन के वहाँ से रिमूव कर देता है वो मॉडल्स वगैरह को। तो भाई यहाँ पे सारे मॉडल्स रिमूव होंगे, कोई एक पर्टिकुलर मॉडल रिमूव नहीं होने वाला क्योंकि सभी को रिमूव करेगा वो, ठीक है ना। तो पूरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा मॉडल्स वाला, आप दोबारा से फिर से फ्लैश करने पड़ेंगे आपको। तो जो वो कमांड है आपको यहाँ पर जे वाली कमांड टाइप करनी होती है, ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख लेना अभी। तो भाई यहाँ पर जे वाली कमांड टाइप जैसे करोगे एंटर कर दोगे इसके बाद, तो क्या होगा कि आपका जो मैजिक्स का मॉडल के अंदर जो सिस्टम के अंदर जहाँ पे मैजिक्स मॉडल फ्लैश होते हैं वो वाला फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो यानी कि जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपका जो मैजिक्स मॉडल वाला फोल्डर है वो रिमूव हो जाएगा, आपके सारे मॉडल जो है अनइंस्टॉल हो जाएंगे। तो आपका फ़ोन जो है उसके बाद आपको सिंपली रीबूट कर लेना होता है। तो ये कमांड लिख के जैसे ही आप एंटर कर देते हो उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल आपके फ़ोन को रीबूट कर लेना होता है। तो भाई आज की वीडियो में यही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय। तो अगर भाई किसी का कन्फ्यूज़न है भाई फ़ोन के अंदर जो मैंने बग जिगर वाला बताया था उसके साथ कैसे करना होता है, तो भाई उसके साथ भी यही वाली सेम कमांड फॉलो करनी होती है। अगर आपको बग जिगर ऐप यूज़ करना नहीं आता तो भाई आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह उसकी ऑलरेडी हैं तो देख सकते हो उसको कैसे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो जो पीसी के अंदर स्टेप थे वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। सेम कमांड आएगी भाई अगर आप चाहे फ़ोन के ऊपर कर रहे हो या फिर पीसी के ऊपर कर रहे हो, तो दोनों में कमांड जो होती है भाई वो सेम ही होती है क्योंकि वो भी एडीबी के अंदर काम करता है। जो भी एडीबी कमांड्स होती हैं वो भी एडीबी
पी ही होता है, ठीक है, उसके एप्लीकेशन के अंदर। तो भाई कमांड लाइन सेम आती है। तो भाई आज की वीडियो में बस यही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।